इस वीडियो में हम सीखेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दरअसल हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, एक ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जो क्या करता है, इस्तेमाल होता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए एक कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, और वो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क से आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर उन तमाम कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट हो जाए, यानी आप अपने कंप्यूटर का डाटा बाकी कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने कंप्यूटर में ये कार्ड लगाना पड़ेगा। अब इस कार्ड को लगाने के लिए हमारे पास मदरबोर्ड मौजूद होता है, और उस मदरबोर्ड के ऊपर एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं। और ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दरअसल है क्या, ये दरअसल एक हार्डवेयर इंटरफेस है बिटवीन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर और जो इंटरनेट या कोई भी कनेक्शन है किसी भी नेटवर्क का उसके बीच में। अब अगर हम अपने कंप्यूटर को के ऊपर अगर गौर करें तो ये जो हमारा कंप्यूटर है इसके ये दरअसल इसका सिस्टम यूनिट कहलाता है। अगर हम इसको खोलें, अगर हम इसको ओपन करें तो उसके अंदर ये हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं। उसमें सबसे उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है अभी, ये है आपका नेटवर्क कार्ड। ये नेटवर्क कार्ड जो है इसे हम क्या करते हैं कि अपने मदरबोर्ड पे ये एक्सपेंशन स्लॉट्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे हम अपना नेटवर्क कार्ड लगा देते हैं। और इस नेटवर्क कार्ड के लगाने से क्या होगा कि अब ये नेटवर्क कार्ड हमें किसी भी नेटवर्क से, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट कर देगा। अब अगर आप यहाँ पे ये वाला अगर आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहलाता है वायर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में इस्तेमाल होती है वायर। यानी यहाँ पे जो आपको ये वाली स्लॉट नज़र आ रही है जहाँ पे मैंने इसको इंडिकेट किया है, यहाँ पे हम क्या करते हैं अपनी वायर कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो नॉर्मली हम जो वायर कनेक्ट करते हैं वो होती है आमतौर पे ईथरनेट वायर। ईथरनेट वायर जो होती है इसके अंदर हमारा जो सिग्नल है वो बिट्स की फॉर्म में यहाँ पे ट्रेवल करता है, और डेटा जो है बिट्स की शक्ल में यहाँ पे पहुँचता है। तो यहाँ पे जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये दरअसल क्या करता है कि उस सिग्नल को कन्वर्ट करता है फ्रेम में। अब एक फ्रेम जो है हमारे पास जो मैसेज यहाँ पे पहुंचा है वो एक फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस फ्रेम के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है सोर्स एड्रेस जिसको मैं एस और ए से यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी कि भेजने वाले का एड्रेस, और दूसरी चीज इसमें होती है डेस्टिनेशन एड्रेस यानी कि रिसीव करने वाले का एड्रेस। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है, इन दोनों चीज़ों को मैच करता है कि जहाँ से सोर्स से या जहाँ से ये मैसेज आया है और जो इसने खुद ये मैसेज रिसीव किया है, दोनों का एड्रेस आपस में मैच करना चाहिए। जब ये एड्रेसेस मैच हो जाते हैं, भेजने वाले का एड्रेस और रिसीविंग कंप्यूटर का एड्रेस ये मैच हो जाते हैं, उसके बाद क्या करता है कि ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस फ्रेम को कन्वर्ट कर देता है एक पैकेट में, और ये पैकेट जो है ये भेज दिया जाता है आगे प्रोसेसिंग के लिए। और आगे फिर जाके जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पैकेट्स कलेक्ट करता है और उनको आपस में इकट्ठा करता है, और फाइनली हमारे स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कितना एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है अपने कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर को बाकी कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की जो ये जो हमने एग्जांपल ली, ये दरअसल वायर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। इसके अंदर हम कोई ना कोई वायर कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की एक और एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सबसे डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे कोई वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एंटीना लगा हुआ है। ये एंटीना क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से या इसके आसपास जो एयर है वहाँ से ये क्या करता है, रेडियो सिग्नल्स रिसीव करता है, और रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से उस रेडियो सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करता है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इसके अलावा हमारे पास वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में एक और एग्जाम्पल है यूएसबी इंटरफेस,
जो कि एक वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की एक एग्जांपल है. इसे अगर हम इसे हम यूएसबी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिस कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अवेलेबल ना हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, या जहां पे हमने वायरलेस सिग्नल जो है वो हासिल करने हो, यानी कि वाईफाई से अगर आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे, इस डिवाइस को, इस यूएसबी को अपने कंप्यूटर के साथ लगा देंगे. ये भी एक इसके अंदर जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की तरह होता है, लेकिन फर्क ये है कि इसका जो एंटीना होता है वो इसके अंदर मौजूद होता है. अगर हम इसको ओपन करें तो इसके अंदर हमें इसका एंटीना नजर आएगा. तो इस तरह से ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है विदाउट वायर के हमारे कंप्यूटर को, हमारे जो वायरलेसली हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर देता है इंटरनेट के साथ. तो इस वीडियो में आज हमने पढ़ा कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, उसे हम कहाँ पे प्लेस करते हैं मदरबोर्ड में, और इसके और ये किस तरह से हमारे इनकमिंग सिग्नल को, यानी जो सिग्नल इस तक पहुँच रहा होता है उसको वो किस तरह से कन्वर्ट करता है और आगे किस तरह से उसको फॉरवर्ड करता है.